उत्कृष्ट स्कूल में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवेश के लिए छात्राओं ने भाग लिया और परीक्षाएं दी। शहर के प्रतिष्ठित शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी विद्यालय में प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई है। ये परीक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए थी, जिसमें प्रवेश के लिए विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा गया। तकरीबन 400 से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस प्रवेश में भाग लिया, जिसमें उत्कृष्ट स्कूल के स्टाफ ने सतर्कता पूर्वक छात्रों की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की और संबंधित कक्षा के प्रश्न पत्र तैयार किए गए। उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय में चयन के लिए परीक्षा है और जो विद्यार्थी 8वीं में अध्ययनरत हैं और वह अपना प्रवेश उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय में चाहते हैं, उनके लिए प्रवेश परीक्षा है। इस केंद्र पर 472 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सर, नीमच जिले में लगभग कितने केंद्र बनाए गए हैं? नीमच जिले में 5 केंद्रों पर परीक्षा है। स्थानीय स्तर पर 3 केंद्र हैं और एक जावद में और एक मनासा में। सर, लगभग कितने बच्चे जिले के हैं जिन्हों जो परीक्षा दे रहे हैं? लगभग 1116 का संख्या है हमारे पास अभी, जितने वो परीक्षार्थी पांचों केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। सर, यह परीक्षा एक दिवसीय आयोजित? 2 घंटे की परीक्षा है, 11:15 से 1:15। सर, इसके परिणाम कब तक बच्चों को मिलेंगे इसके एग्जाम? इस परीक्षा को मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड आयोजित करता है और चूंकि OMR शीट पर परीक्षा हो रही है और पहली बार बच्चे इस OMR शीट पर परीक्षा दे रहे हैं और बोर्ड ही इसको डिसाइड करता है, पर चूंकि OMR पर है तो स्कैनिंग होके और काफ़ी जल्दी रिजल्ट आने की संभावना रहती है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारा जो नया सत्र बच्चों के लिए 15 जून से शुरू हो रहा है, इसके पहले निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा।